गुरुदेव अंतर्जाल क्लास को आपको सुस्वागत। मैं निरंजन। आज इस अवधि में आठवीं कक्षा का पांचवा पाठ महात्मा गांधी। इन्होंने एक महान व्यक्ति, राष्ट्रपिता, स्वतंत्र सेनानी, इनका परिचय और इनके स्वभाव के परिचय, इन्होंने बाल्यकाल में कैसा था, सो इस पाठ में हमें समझ सकते हैं महात्मा गांधी जी का व्यक्तित्व तो कैसा था बाल्यकाल में, या बालक महात्मा गांधी जी का स्वभाव के बारे में इस अवधि में हम चर्चा करते हैं इस पाठ के द्वारा। बच्चों आपको महात्मा गांधी के बारे में आप पिछले कक्षा में या हर साल हम स्वतंत्र दिवस के दिन और गणतंत्र के दिवस के दिन और गांधी जयंती के इन तीनों स्वतंत्र राष्ट्रीय त्योहार के दिन हम चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, भाषण भी करते हैं स्वतंत्र सेनानियों के बारे में। चलिए आज इस अवधि में महात्मा गांधी जी ने कैसा था बालक, महात्मा गांधी जी के स्वभाव और इस पाठ का उद्देश्य क्या है, महात्मा गांधी जी के स्वभाव के बारे में। कब, जब इन्होंने बालक था तब, और इन्होंने किस पर हमेशा पालन करते थे, सत्य, अहिंसा और धर्म के दृढ़ निश्चय। सत्य मतलब ट्रूथ, अहिंसा नॉन वायलेंस, धर्म के दृढ़ निश्चय, द बिलीव ऑन द रिलीजन या फ्रीडम एंड फेथ। तो इन तीनों विचार पर महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में या अपने पारिवारिक जीवन में और देश की भविष्य जीवन में इन्होंने पालन किया और लोगों को भी पालन करने के लिए इन्होंने प्रेरणा दिए है महात्मा गांधी जी। इस पाठ में दिए गए कुछ शब्दार्थ भी हम देखेंगे, इस पाठ में दिए गए कुछ शब्दार्थ को अंग्रेजी अर्थ भी हम समझेंगे और सरल शब्द है, और पिछले कक्षा में या पिछले पाठ में भी यह शब्दार्थ में आए थे और अभी भी हम देखेंगे। तो पहला है आजाद। आजाद मतलब क्या है, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। शर्मीला मतलब लज्जाशील, शेमशील या नाचिकेत स्वभाव। सतान, तंग करना या टॉर्चर या झूठ, असत्य। निरीक्षण, जांच, इंस्पेक्शन। हिज्जे, वर्तनी, स्पेलिंग। आंसू, आश्रु, टीयर्स। इशारा, संकेत, सिग्नल। ठीक, सही, राइट। असत्य, फॉल्स। बुद्धू, मूर्ख, फूल। संकट, कष्ट, डिस्ट्रेस। कर्ज, ऋण, साला। सोना, स्वर्ण, गोल्ड। और माफी, क्षमा, अपोलॉजी। हिम्मत, धैर्य, डेयरनेस। सजा, दंड, पनिशमेंट या पेनल्टी। आदत, अभ्यास, प्रैक्टिस। तो इन ये सभी पाठ में दिए गए वो सरल शब्द है, कुछ शब्द को अंग्रेजी अर्थ लिखा मैंने, कुछ शब्द सरल है उनको भी हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो ये सभी पाठ में दिए गए शब्द। सो मैं अब इस पाठ का
आदर्श वाचन करता हूं। पाठ का नाम क्या है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं पूरे देश में। तो चलिए पहला आदर्श वाचन हम करेंगे, आप भी सुनिए। पाठ का नाम महात्मा गांधी। बच्चे, महात्मा गांधी जी के स्वभाव के बारे में मैं जानते हैं। सत्य, अहिंसा, धर्म के दृढ़ निश्चय के करने की प्रेरणा पाते हैं। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलते हैं? महात्मा गांधी जी के स्वभाव और उसके साथ साथ सत्य, अहिंसा और धर्म के दृढ़ निश्चय का महत्व हम पा सकते हैं। महात्मा गांधी महान पुरुष थे, सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना। उनके प्रयत्न से भारत आजाद हुआ। विज्ञान और तपस्या की मूर्ति थे, धर्म उनके प्राण था और सत्य उनकी आत्मा। बालक मोहनदास करमचंद्र गांधी शर्मीले स्वभाव के थे, ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटी बजते ही घर चलते। उन्हें काम से काम था, कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया, कभी झूठ नहीं बोले। अगला गद्य भाग। एक दिन की बात है, शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए। उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए, उनमें एक शब्द था केटल। बालक गांधी ने इसके हिज्जे गलत लिखे। अध्यापक ने इशारे से यह समझाया कि दूसरे लड़के के हिज्जे देखकर टिक कर लो, किंतु गांधी ने ऐसा नहीं किया। हिज्जे की गलती के कारण मोहन को बुद्धू माना गया, किंतु उन्हें बुरा ना लगा। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। उनकी सत्य प्रियता यही से शुरू हुई जिसने उन्हें आगे महात्मा बनाया। श्रवण पितृ भक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसे बनना चाहिए। हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए। उनका यह निश्चय दृढ़ हुआ। वही सत्य प्रेम ने ही आगे उन्हें सत्य तपस्वी बनाए। एक और घटना है, गांधी जी के भाई ने 25 रुपए कर्ज लिया था। भाई के हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना काट कर कर्ज चुकाया गया। गांधी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूंगा। पिता से माफी मांगने की बात सोची, पर पिता के सामने जाने की हिम्मत ना हुई। सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से सजा मांगी। पत्र पढ़कर पिता की आंखें भर आई। गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी। पिता के आंसू देखकर गांधी को विश्वास हो गया कि पिता ने मुझे क्षमा कर दिया है। अहिंसा, सत्य और धर्म के दृढ़ निश्चय ने गांधी को महात्मा बनाया। तो बच्चों, इस पाठ से मैं
अब समझता है, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ, पाठ पूरा समझ गए क्या है गांधी जी का स्वभाव कैसा है, वो मजाक है, बालक गांधी जी ने कैसा था। तो यह शब्दार्थ से भी आपको समझ गए बालक बाल्यकाल में महात्मा गांधी जी ने क्या किया, हम क्यों किया, इसका सत्य मिले तो उन्होंने क्या करने के लिए, क्या छोड़ने के लिए निर्णय किया या निश्चय किया उनके जीवन में। तो यह विचार आपको बिल्कुल समझता है मैं विवरण देने का समय। चलिए पहला दो इस अवधि में पहला दो गद्य भाग पर हम विवरण देखना है बच्चों। पहला गद्य भाग, पहला अनुच्छेद, महात्मा गांधी महान पुरुष थे। तो महात्मा गांधी जी एक महान व्यक्ति, वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सनालिटी ऑल्सो। सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना, थ्रू द इंडिया, थ्रू द अदर कंट्री पीपल ऑल्सो दे आर कॉलिंग एज फादर ऑफ नेशन, उन्होंने कहते हैं राष्ट्रपिता। उनके प्रयत्न से भारत आजाद हुआ। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का प्रयत्न, तो इन्होंने स्वतंत्र लड़ाई या स्वतंत्र पाने की लड़ाई शुरू किया ब्रिटिश के विरुद्ध, अंग्रेजियों का विरुद्ध प्रारंभ किया। गांधी युग मानते थे उनके दिन, क्या कहलाते थे, गांधी युग। तब पूरे भारत में स्वतंत्र या आजादी का वाद प्रारंभ किया। अनेक महान व्यक्ति या अनेक स्वतंत्र पुरुषों ने गांधी जी के हाथ जोड़कर उनके साथ उनके चळवळियों में उनके ब्रिटिशों के विरुद्ध गांधी जी के साथ चले। सो उनके नायकत्व से, उनके नायकता से भारत आजाद हो गए। वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। तो उन्होंने त्याग, उनका बलिदान और तब उन्होंने ग्रेट स्कल्पचर्स ऑफ सैक्रिफाइस एंड डेडिकेशन, वो गांधी जी। धर्म उनके प्राण था, द रिलीजन, धर्म, धर्म उनका प्राण था। ही वॉज अ लव, द लाइफ ऑफ द रिलीजन, सत्य उनकी आत्मा था। ट्रूथ इज सोल, धर्म इज द रिलीजन इज लाइफ, ट्रूथ इज सोल। तो धर्म इनका प्राण और सत्य इनका आत्मा है। सो गांधी जी का पालन है, यही है, इनके लिए पूरे भारत में इनको राष्ट्रपिता मानते थे। सो सत्यवान थे। अगला अनुच्छेद, बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव के थे। बालक कैसा स्वभाव थे गांधी जी ने, शर्मीले स्वभाव, नाचिकी स्वभाव। इनका पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटी बजाते ही घर चलते। उन्हें बालक मोहनदास करमचंद गांधी जी ने स्कूल जाने के समय, विद्यालय जाने के समय, समय के समय पर स्कूल जाते थे और घंटी बजाने के बाद, बजे के बाद वापस घर लौटते थे। उन्हें काम से काम था, उन्हों क्या है, बहुत अनुशासन व्यक्ति था, अनुशासन बालक था। कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया मतलब टॉर्चर। तो विद्याभ्यास के समय दूसरों को नहीं सताया मतलब दूसरों को दर्द नहीं किया, नहीं बांटा, नहीं डांटा, नहीं मारा। उन्होंने दूसरों को
नहीं सका, ही नॉट डिस्टर्ब टू एनी वन, ही नॉट टॉर्चर टू एनी वन, किसी को नहीं सताए, कभी झूठ नहीं बोले, सो नेवर ही सेड फॉल्स लाइक। सो अगला कक्षा में हम इस पाठ का अगला विचार को चर्चा करेंगे बच्चों। इस अवधि को मैं समाप्ति करता हूँ, आप भी घर में एक आध दो बार पढ़िए और बिल्कुल आसानी से यह पाठ गांधी जी के स्वभाव के बारे में आपको बिल्कुल समझते हैं। आप याद रखिए ये स्वभाव आप भी पाइए और आपके जीवन में अर्पण कीजिए, यह मेरा कोशिश है। सो आपको मैं धन्यवाद कराता हूँ, अगला कक्षा में मिलेंगे या अगला वीडियो में मिलेंगे बच्चों, धन्यवाद।